जय हिंद प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीबीपी नई भर्ती 2023 के बारे में। जी हां दोस्तों, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स आईटीबीपी की तरफ से कांस्टेबल के पदों पर निकाली गई लेटेस्ट वैकेंसीज के अपडेट के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। जिनके लिए जो भी कैंडिडेट अपना 10th क्लास पास कर चुका है, अपना 12th क्लास पास कर चुका है, जो भी कैंडिडेट अपना 10वीं 12वीं क्लास पास कर चुका है, वो कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि यहां पर आपकी एज लिमिट क्या रखी जाएगी, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा, कब से कब तक आप इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, एंड आपको यहां पर मंथ पे स्केल कितना प्रोवाइड किया जाएगा। इन सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं आईटीबीपी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 के वैकेंसीज के ओवरव्यू के बारे में। तो देखिए, यहां से आप इजीली चेक कर सकते हैं आपका जो ऑर्गेनाइजेशन नेम रहेगा, ये इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी रहेगा। आईटीबीपी की तरफ से आपकी इन वैकेंसीज को ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा, एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात करें तो 9135 पदों पर एक्सपेक्टेड वैकेंसीज आप सभी के लिए रखी जाएंगी। सो काफी अच्छा खासा नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, एंड इसी के साथ में जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया रहेगी। ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं पर भी ये जॉब प्रोवाइड की जा सकती है। पोस्ट टीम के बारे में बात करें तो कांस्टेबल जीडी के पद पर आपको ये वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, एंड इसी के साथ में मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी itbppolice.nic.in रहेगी, जिस पर जाकर के आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, आईटीबीपी कांस्टेबल जीडी के लिए वैकेंसीज की डिटेल के बारे में बात करें तो देखिए, मेल कैंडिडेट के लिए आपको 6189 पदों पर ये वैकेंसीज देखने को मिलेगी। साथ ही में फीमेल कैंडिडेट के लिए 2946 पदों पर आपको ये वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। सो काफी अच्छा खासा नंबर ऑफ वैकेंसीज आप सभी के लिए यहां पर रखा जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके लिए यहां पर 9135 वैकेंसीज रखी जाएंगी। जनरल ड्यूटी के पद पर आपको ये वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, जीडी के पद पर आपके लिए वैकेंसीज यहां पर रखी जाएंगी। बात करते हैं दोस्तों यहां पर एज लिमिट के बारे में। तो देखिए, आपकी जो मिनिमम एज यहां पर रखी गई है, ये 18 साल रखी गई है, और मैक्सिमम 23 साल तक के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार आपको यहां पर एज रिलैक्सेशंस भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें एससी एसटी कैटेगरी को यहां पर 5 साल की एज में छूट मिलने वाली है, एंड ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार एज में छूट प्रोवाइड की जाएगी। एंड इसी के साथ में क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो जो भी कैंडिडेट अपना 10th क्लास पास कर चुका है, अपना 10वीं क्लास पास कर चुका है, वो कैंडिडेट यहां पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। एंड दोस्तों, सैलरी के बारे में बात करें तो देखिए, यहां पर आपको 21,700 रुपए से 69,100 रुपए तक काफी अच्छा खासा पे स्केल दिया जाएगा। लेवल 3 से आपको यहां पर पे स्केल मिलने वाला है, साथ में 7th CPC आपको यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। ये आपका स्टार्टिंग पे स्केल रहेगा, इसके बाद में धीरे धीरे आपकी सैलरी में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल जाएगा। साथ में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जितने भी अलाउंस दिए जाते हैं, वो सारे के सारे अलाउंस आपको यहां पर भी मिलने वाले हैं। बात करते हैं दोस्तों आईटीबीपी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 के लिए एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो देखिए, अगर आप जनरल ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको यहां पर 100 रुपए एप्लीकेशन फीस जमा करवानी होगी, और अगर आप एससी एसटी या फिर पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको यहां पर कोई भी एप्लीकेशन फीस सबमिट करवाने की जरूरत नहीं होगी, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले आपका जो है रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि आपका सीबीटी रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। इसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, एंड दोस्तों फाइनल आपका यहां पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फाइनल मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। सो ये आपके कुछ स्टेप रहेंगे, जिनके आधार पर आपको फाइनल सिलेक्शन यहां पर मिलने वाला है। बात करते हैं दोस्तों हाउ टू अप्लाई के बारे में, कि किस तरीके से आप इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपको कुछ स्टेप प्रोवाइड किए गए हैं, आप इन स्टेप्स को फॉलो करके इजिली अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठ करके अपने मोबाइल के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। सो अगर आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो के लिए मैसेज कर देना, मैं आपके लिए जल्दी से एक नई वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठ करके अपने मोबाइल के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं।
सो उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी के बटन को जरूर दबा लेना है ताकि जब भी मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। बात करते हैं दोस्तों यहां पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। तो देखिए मेल कैंडिडेट के लिए जो दौड़ रहेगी ये 1600 मीटर की दौड़ रहेगी जिसे 7.5 मिनट में कंप्लीट करना होगा। 11 फीट की आपकी लॉन्ग जंप रहेगी जिसमें आपको 3 चांस दिए जाएंगे और 3.5 फीट की आपकी हाई जंप रहने वाली है, इसमें भी आपको 3 चांस यहां पर मिलने वाले। बात करते हैं दोस्तों फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो देखिए 800 मीटर की दौड़ फीमेल कैंडिडेट के लिए रखी जाएगी जिसे 4 मिनट और 45 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। वहीं 9 फीट की आपकी जो है लॉन्ग जंप रहेगी जिसमें आपको 3 चांस दिए जाएंगे और 3 फीट की आपकी हाई जंप रहने वाली है, इसमें भी आपको यहां पर 3 चांस मिलने वाले। एंड इसी के साथ में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में बात करें तो देखिए अगर आप यहां पर एसटी कैटेगरी को छोड़ करके किसी भी अदर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर जो है मिनिमम हाइट रखी जाएगी और फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट ली जाएगी। साथ ही में चेस्ट आपका 77 से 82 सेंटीमीटर लिया जाएगा, मतलब कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपसे यहां पर भी लिया जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों अगर आप पहाड़ी क्षेत्र के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए यहां पर मेल कैंडिडेट की 162.5 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट ली जाएगी और 150 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट से मिनिमम हाइट ली जाएगी। चेस्ट आपका यहां पर भी 77 से 82 सेंटीमीटर लिया जाएगा। एंड इसी के साथ में अगर आप एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो मेल कैंडिडेट की 162.5 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट ली जाएगी और फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट रहेगी। साथ ही में चेस्ट आपका 76 से 81 सेंटीमीटर लिया जाएगा। बात करते हैं दोस्तों रिटन एग्जाम के बारे में। तो देखिए आपका यहां पर 100 नंबर का पेपर रहेगा एंड इसी के साथ में मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको पेपर यहां पर देखने को मिल जाएगा। 2 घंटे का आपको यहां पर टाइम दिया जाएगा पेपर सॉल्व करने के लिए और कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी यहां पर कंडक्ट नहीं करवाई जाएगी। बात करते हैं दोस्तों एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो देखिए जनरल अर्थमेटिक एंड रीजनिंग से आपके 30 क्वेश्चंस 50 नंबर के पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज से आपके 25 क्वेश्चंस 25 नंबर के रहेंगे, साथ ही में जनरल इंग्लिश से 35 क्वेश्चन 35 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे, साथ ही में थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जो कि आपका यहां पर 10 नंबर का रहेगा 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा और 2 घंटे का आपको यहां पर टाइम दिया जाएगा पेपर सॉल्व करने के लिए। बात करते हैं दोस्तों इंपोर्टेंट डेट के बारे में। तो देखिए आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ये नवंबर 2023 आप सभी के लिए एक्सपेक्टेड डेट रखी गई है, मतलब कि नवंबर 2023 के फर्स्ट वीक में या फिर जो है आपको सेकेंड वीक में इन भर्तियों के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का मौका मिल सकता है। एंड लास्ट डेट आप सभी के लिए दिसंबर 2023 रखी जाएगी। एंड दोस्तों फिजिकल और एग्जाम डेट से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी या फिर इस भर्ती से संबंधित कोई भी नई अपडेट निकल करके आती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी सबसे पहले आपको हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी के बटन को जरूर दबा लेना ताकि जब भी कोई नई अपडेट आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बात करते हैं दोस्तों इंपोर्टेंट लिंक्स के बारे में। तो देखिए अप्लाई ऑनलाइन का लिंक एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इस भर्ती के लिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही में इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस भर्ती से संबंधित सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल गई होगी। सो वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।